उसके बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, आपको इंस्टेंट ग्लो कैसे मिलेगा ये मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। जी फ्रेंड्स, आपके फेस पे जो भी दाग धब्बे के निशान हैं या फिर एक्ने के निशान हैं या फिर आपका फेस धूप की वजह से काला पड़ चुका है, तो फ्रेंड्स इसको हम गोरा कैसे कर सकते हैं वो भी नेचुरल तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं शादी या पार्टी में जाते हैं और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए अपने फेस पर, तो आप मैं जो बताऊंगी इस रेमेडी का यूज़ करिए और उससे एकदम इंस्टेंट ग्लो पाइए। जी फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमें चाहिए खाली बाउल, मैंने खाली बाउल ले लिया है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अब फेयर एंड लवली क्रीम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फेयर एंड लवली क्रीम ले ली है, ये मल्टी विटामिन है। हमें चाहिए थोड़ी सी फेयर एंड लवली क्रीम अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने फेस के हिसाब से हमें फेयर एंड लवली क्रीम हमें चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, फेस के हिसाब से इतनी क्रीम हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कॉलगेट। जी फ्रेंड्स, ये कॉलगेट कोई फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, ये वाइट वाला ही कॉलगेट होना चाहिए। ये भी हमें जितनी हमने फेयर एंड लवली क्रीम ली है इतनी हमें इसमें कॉलगेट यूज़ करनी है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए हल्दी, ये हमें चुटकी भर हल्दी थोड़ी सी लेनी है। और चौथी चीज़ हमें चाहिए इसमें लेमन जूस। जी फ्रेंड्स, इसमें लेमन जूस हमें 1 से 2 बूंदी डालना है और आप चाहें तो 3 से 4 बूंद भी कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जी फ्रेंड्स, देखिए गोल्डन गोल्डन सा हमें ये नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने फेयर एंड लवली क्रीम डाली है वो हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उसमें मल्टी विटामिन होते हैं। दूसरी चीज़ हमने इसमें डाली है कॉलगेट। फ्रेंड्स, जिसके भी फेस पर एक्ने के निशान होते हैं या फिर एक्ने होते हैं, ये उनको दूर करता है और साथ ही साथ हमारे फेस को ठंडा रखता है। तीसरी चीज़ मैंने डाली है इसमें लेमन यानी कि नींबू। नींबू में फ्रेंड्स सेट्रिक एसिड होता है जो हमारे फेस के दाग धब्बों को दूर करता है और हमारे सनटैन को दूर करता है। चौथी चीज़ मैंने डाली है इसमें टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। जी फ्रेंड्स, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, अगर हमारे फेस पे दाने होते हैं या फिर कहीं से छिलावा होता है फिर कटावा होता है, ये उनको भी दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अब तैयार हो गया है। अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड्स, हमें इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। हमें इसे फिंगर की मदद से अपने फेस पर इस तरीके से एक लेप की तरह लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस हैंड को वॉश करके आती हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इसका। फ्रेंड्स, देखिए मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ और आप खुद देख सकते हैं कि मेरा ये हैंड इस हैंड के मुकाबले कितना साफ लग रहा है और साथ ही साथ इस हैंड पर मुझे गोल्डन ग्लो सा भी लग रहा है। आप इसका यूज़ हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।